हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के टॉपिक कैट्स मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में। इससे पहले हमारे सिलेबस में जो भी मॉडल्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल, हिल्डा टावर मॉडल, टाइलर्स मॉडल एंड व्हीलर्स मॉडल। तो ये हमारे सिलेबस का लास्ट मॉडल है। अगर आप चाहें तो इन सारे मॉडल्स की वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट BA 4 SEM में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मॉडल की। तो ये मॉडल दिया गया था जे कैर्स द्वारा और ये मॉडल मिलता था व्हीलर्स और टाइलर्स मॉडल से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि व्हीलर्स मॉडल में भी ऑलमोस्ट वही बातें कही गई थी जो टाइलर्स मॉडल में थी, लेकिन फर्क इतना था कि टाइलर्स का मॉडल लीनियर था और व्हीलर का मॉडल जो था वो लीनियर नहीं था, वो सर्कुलर था। उन्होंने कहा था, व्हीलर ने कहा था कि जो इवेल्युएशन है वो एंड स्टेप नहीं है, यानी कि इवेल्युएशन टर्मिनल स्टेप नहीं है, बल्कि टाइलर्स में क्या कहा गया था, लीनियर मॉडल होने के कारण इवेल्युएशन जो था वो टर्मिनल स्टेप था। व्हीलर ने कहा कि जो इवेल्युएशन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये मॉडल क्या था इनका, साइक्लिक था। लेकिन कैर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग में थोड़ी सी अलग बात है, उनका मॉडल ना लीनियर है ना सर्कुलर है, बल्कि ये मॉडल इंटरलिंक्ड है। इन्होंने कहा कि सारी चीजें दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैर ने डोमेन्स को 4 एरियाज में डिवाइड किया। नंबर 1, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवेल्युएशन, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा ये मॉडल बनाते वक्त कि जो ये एरोज लगाए गए हैं वो आप ठीक तरीके से लगाएं, बिकॉज इन्होंने कहा कि जो ये जो 4 डोमेन्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही हम नॉलेज देखते हैं कि किस तरीके की नॉलेज बच्चों को दी जाएगी, और नॉलेज कैसी है उस बेसिस पर हम जान सकते हैं कि करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, और जैसी नॉलेज दी जा रही है उस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि कैसे स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, कैसे स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उस बेसिस पर पता लगा सकते हैं कि नॉलेज कैसी है। स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इवेल्युएट किया जा सकता है, और जो इवेल्युएट किया है उसके बेसिस पर हम स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये जो जितने भी 4 हमारे एरियाज हैं ये सारे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड है, एक का दूसरे पर फर्क पड़ता है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के बेसिस पर डिराइव किए जाते हैं। कि क्या करना है, कैसे करना है, वो स्कूल एक्सपीरियंस के बेस पर ही डिसाइड किया जाता है। तो कैर मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें 3 H पर बेस होती हैं। 3 H क्या होते हैं? H1 इज हेड, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर अफेक्टिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट, H4 हार्ट। फिर H4 हैंड, यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम इसी तरीके से डिसाइड करते हैं। तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट हो। जैसे मान लीजिए कि हम साइंस सब्जेक्ट के लिए करिकुलम बना रहे हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव ये होंगे अफेक्टिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे केमिकल्स को अच्छे से हैंडल कर पाए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो उनको ब्रेवरी से हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं कि केमिकल्स देख के रोने लग जाए या फिर कुछ नया चेंज हो रहा है तब थोड़े घबरा से जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि चीज़ों को वो ब्रेवरी से हैंडल कर पाए, पेशेंस लेवल हो उनके अंदर टॉपिक्स को समझने का, एक सेंस ऑफ कॉपरेशन और हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखें, मिलजुल कर काम करें। जैसे हम लैब में काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे के केमिकल चुरा के भाग जाते हैं या फिर सामने वाले टेबल से टेस्ट ट्यूब्स चुरा लेते हैं। हालांकि ये काम थोड़े बहुत होते हैं क्लास में, लेकिन करिकुलम अगर कभी टेस्ट ट्यूब्स की कमी आ जाए, लेकिन करिकुलम क्या कहता है कि बच्चों के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आए, सेंस ऑफ कॉपरेशन हो और हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। फिर आते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से सेट किए जाएं कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनके कॉग्निशन की डेवलपमेंट हो। जैसे स्टूडेंट्स टॉपिक्स को समझ पाएं, लर्न कर पाएं, कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सीखे हैं उसे अप्लाई कर पाएं। बिकॉज जब तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं अगर हम उन्हें अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक तय बात है कि वो कॉन्सेप्ट उस बच्चे ने सीखा ही नहीं है, वो सिर्फ उसने रट्टा मार लिया है या फिर सिर्फ उसने थोड़ा बहुत समझ लिया है, उसे अच्छे से आया ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएं
और बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएं, यानी कि जो टॉपिक्स उनके सामने नहीं है, जो कंक्रीट नहीं है चीजें, उनके बारे में भी सोच पाएं, उनके बारे में भी समझ पाएं। फिर आते हैं साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं कि बच्चे एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएं। जैसे साइकोमोटर क्या होता है, हमारी मोटर एबिलिटीज डेवलप हो, हैंड से हम काम कर पाएं, यही सारी चीजें होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को अच्छे से हैंडल कर पाए, अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म कर पाए। और भी अगर उन्हें कोई एक्टिविटी दी जाती है करने के लिए, जैसे मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है, चार्ट बनाने के लिए दिया जाता है, या फिर साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है, या साइंस म्यूजियम में कुछ एक्टिविटी दी जाती है, तो वो सारी एक्टिविटीज वो अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट आती है नॉलेज, कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज को हम दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकें। जैसे कि हम मैथ्स में जो चीज़ें सीखते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें हम फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, करिकुलम इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि चीज़ें इंटीग्रेटेड हों, इंटरलिंक्ड हों एक दूसरे से। सीक्वेंस्ड वे में नॉलेज दी जानी चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक वे में हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें आए, ताकि बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। क्योंकि अगर पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ दे देंगे तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए पहले सिंपल चीज़ सिखाई जाती है, प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज री इन्फोर्समेंट, यानी जो नॉलेज है वो री इन्फोर्स्ड होनी चाहिए, यानी कि जो पिछली नॉलेज है उसको लिंक करने के साथ साथ जब बच्चा जवाब देता है तो उसके लिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, ताकि जब वो मोटिवेट होगा तो वो और बेहतर सीखेगा और बेहतर तरीके से याद करेगा या चीज़ों को समझेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है इवेल्युएशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डिसीजन लेना करिकुलम से रिलेटेड, कि क्या चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए या किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम अचीव कर पाएं। फिर आते हैं स्कूल लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस, यानी कि क्या चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं और चीज़ों को सिखाने के लिए कैसे एक्टिविटीज़ वगैरह हम करवाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो सीखता है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। तो सबसे पहली बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्या होता है कि हर बच्चा अलग तरीके का है, कोई बच्चे बहुत गिफ्टेड लर्नर हैं तो फिर बहुत जल्दी सीख जाते हैं, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट है। कोई बच्चे बेचारे स्लो लर्नर्स हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं, और कोई एवरेज होते हैं, वो नॉर्मली तरीके से सीखते हैं। तो उस चीज़ों का भी फर्क पड़ता है कि बच्चा कितना ज्ञान अर्जित करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि वो उसका मेंटल लेवल कितना है। फिर आती है सोसाइटल अपॉर्चुनिटीज। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कि उनके पेरेंट्स क्या है, उन्हें एकेडमी में भी डालते हैं, उन्हें डांस एकेडमी में भी डालते हैं, या फिर उनके लिए कोई स्पोर्ट्स वगैरह भी चूज करते हैं अलग से। तो जितने ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना ही ज़्यादा वो एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर पाएगा, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। स्कूल कम्युनिटी कैसी, यानी कि स्कूल में कैसा बिहेवियर किया जाता है बच्चों के साथ, कैसा एनवायरनमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बायसनेस शो की जाती है कि जो अमीर बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, या फिर जो थोड़े मिडिल क्लास हैं उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ तो नहीं है। या बॉयज़ या गर्ल्स के साथ कोई पार्शियलिटी तो नहीं होती, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ आती है टीचिंग मेथड, कि कैसा टीचिंग मेथड लगाया जा रहा है, किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कि अगर हम प्रोजेक्ट मेथड लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, तो वो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज एक क्लास में जो है वो दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीचर और बाकी जो स्टूडेंट है। ये दो फैक्टर्स का बहुत फर्क पड़ता है कि हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। बिकॉज जो टीचर है अगर वो बहुत ज़्यादा रूड है तो बच्चे डर के मारे उनसे चीज़ें पूछेंगे ही नहीं, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा स्वीट है तो बच्चे उनकी जो बात है उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट में कैसा रिलेशन है। तो टीचर को हमेशा एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा रूड भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ द लर्नर्स, यानी कि क्या पढ़ाया जा रहा है और जो सीख रहे हैं उनका मेच्योरिटी लेवल कितना है। जैसे कि हम फिफ्थ क्लास के बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा सकते उसे, लेकिन वही चीज़ हम इलेवंथ के बच्चे को, ट्वेल्थ के बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं इन्हें हम इवेल्युएट कर सकते हैं टेस्ट के द्वारा, इंटरव्यूज के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा, या फिर किसी और मेथड्स के द्वारा।
तो कैर का मानना था कि जो करिकुलम प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डिसीजंस है जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि इंटर लिंक्ड है। जो मेन बात कैर ने इस मॉडल में कही वो ये थी दैट एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग एल्स एंड दैट इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट एन एनालिसिस एट एनी पॉइंट, यानी कि हर चीज दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस करती है। जो बात हमने स्टार्टिंग में कही थी कि हर चीज दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो इन्होंने बात कही वो ये थी कि जो एनालिसिस है वो किसी भी पॉइंट पर शुरू किया जा सकता है, जैसे कि हम नॉलेज को लेके भी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएशन को लेके भी, स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेके भी और करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को लेके भी। बाकी हमने जितने भी मॉडल किए उनमें ये कहा गया कि स्टार्ट हम ऑब्जेक्टिव से करेंगे और एंड हम इवेल्युएशन पे करेंगे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हर स्टेप इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हम कहीं से भी एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि कोई भी करिकुलम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर किसी भी करिकुलम में क्या कमियां हैं। तो यही बात आपको याद रखनी है कि व्हीलर्स जो कैर्स मॉडल है वो रिसेम्बल करता था व्हीलर्स और टायलर्स मॉडल को। दूसरी बात याद रखनी है इसमें कि जो कैर ने डिवाइडेड किया डोमेन्स को फोर एरियाज में, करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, इवेल्युएशन एंड स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिंक किया है उन्होंने चीजों को। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने बात करी अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स की। फिर नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए और रीइंफोर्स्ड होनी चाहिए। फिर इवेल्युएशन, फिर स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे दिए जाएं और वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये चीज। और फिर लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखना है कि हर स्टेप का दूसरे स्टेप पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, हर चीज दूसरे चीज से अफेक्ट होती है और जो हम किसी भी पॉइंट पे एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी करिकुलम कितना इफेक्टिव है ये हम किसी भी पॉइंट से एनालिसिस करके जान सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।